ये जो सूरत हाल आज हम यूक्रेन में देख रहे हैं, ये डिप्लोमेसी के जरिए इसको हल होना चाहिए। I say to Vladimir Putin to stop the tanks, to turn back the tanks on their way to Kiev, turn them round and take the path to peace. We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. Bring your troops back. हमारे स्टूडेंट्स को बहिफाजत अपने घरों को लौटाना जो हमारी जिम्मेदारियों में शामिल होता है। सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला, थोड़ा वापसों की तरह पड़े हुए हैं। वैसे की तरह से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएं और हम मूव करने लगे थे। दो घंटे पहले वेस्टर्न की कॉल्स आ रही है कि यहाँ पे ना आए, कीव सेफ सिटी नहीं है। हमारी एम्बेसी उसको शिफ्ट किया है कि हमें अपने बच्चों के इनखला के लिए आसानी हो और उनके साथ रास्ते में भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। यूरोप के एक निस्बतन छोटे मुल्क यूक्रेन पर आज भी एक बड़ी सुपर ताकत रूस के हमले जारी हैं। ताजा तरीन इत्तलात भी यही बता रही हैं कि पाकिस्तान के कुछ शहरी और स्टूडेंट्स खास तौर पर अब भी या तो बॉर्डर की तरफ रवा दवा है, यानी यूक्रेन से निकलने के लिए, या उनको बार बार कहा जा रहा है कि आप यहां से चले जाएं और वो तैयारियां भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक कंसर्न जरूर बना है जब से 25 फरवरी के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है, जब से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां से निकले या निकलने की कोशिश कर रहे थे। एक कंसर्न था कि पता नहीं यहां बच्चों का क्या बनेगा, पैदल आना पड़ा या रास्ते भूल गए या बड़े मुश्किल रास्तों से वो बॉर्डर की तरफ गए। कंसर्न भी जेन्युइन है। मसलन आपसे मैं मुखातिब होकर कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी का बच्चा किसी ऐसी जगह फंस जाए जहां जंग हो रही हो, पता नहीं चले गोला किधर से आ रहा है, मिसाइल किधर से आ रहा है, कहां से बम फट रहा है, तो यकीनन एज पेरेंट आपको भी परेशानी होगी। और खास तौर पर अगर बच्चियां वहां पढ़ रही हूं और उनको वहां से निकलना पड़ जाए, तो मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से कॉन्शियस भी रही, लेकिन जो कहीं से क्रिटिसिज्म आया तो मैं समझता हूं वो भी जेन्युइन था। हम इन मामलात पर बात करेंगे। पाकिस्तान के शहरी पोलैंड पहुंचे, पाकिस्तान के शहरी रोमानिया पहुंचे, हंगरी पहुंचे या मोल्डोवा पहुंचे, इसके साथ साथ हम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, नाजरीन मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम जरूर ये बात करेंगे कि आखिर यूक्रेन पर ही बार बार सदर पुतिन की नजर क्यों पड़ती है। कभी क्रीमिया को एनेक्स कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, फिर यूक्रेन की खुद मुख्तारी के खिलाफ ऐसे ऐसे मुतालबात आ जाते हैं। और खास तौर पर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि डायनामिक्स क्या है। पाकिस्तान पर भी दबाव तो है, पाकिस्तान के पुराने इत्तेहादी कह रहे हैं कि आप रूस की मजम्मत करें, यहां यूरोपियन यूनियन के, यहां पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर, यहां पे कैनेडियन हाई कमिश्नर, ऑस्ट्रेलिया के चार्ज ऑफ अफेयर कहते हैं कि आप, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के लोग कहते हैं कि आप मजम्मत क्यों नहीं कर रहे। तो ये एक पाकिस्तान के लिए भी एक चैलेंज है। हम इन तमाम अमूर पर बात करेंगे। इंतहाई मेहमान मौजूद हैं जो बराह रास्त डायरेक्ट इस सूरत हाल को डील कर रहे हैं। तारफ करा देता हूं, मेरे साथ यहां इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं एम्बेसडर आसिम इफ्तखार साहब, तर्जमान दफ्तर खारजा। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए, जरा पॉलिसी परस्पेक्टिव के हवाले से बात करेंगे। नाजरीन पाकिस्तान के उन ममालिक में सुफरा हमारे साथ हैं जो डील कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पोलैंड से पाकिस्तान के सफीर जनाब मलिक फारूक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक फारूक साहब आपने वक्त दिया। पाकिस्तान के सफीर बराए हंगरी डॉक्टर मोहम्मद एजाज साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया। रोमानिया में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर जफर इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया। और नाजरीन हम बात करने की कोशिश करेंगे यूक्रेन में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर नोल खोखर साहब जो बराए रास्त इन तमाम एफर्ट्स को देख रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। सारे मेहमानों का शुक्रिया। आपसे प्रोग्राम का आगाज करता हूं। आपने देखा सर कि यहां क्रिटिसिज्म रहा, बच्चों की शिकायत भी आती रही और ये बड़ा नेचुरल है। इसमें मेरा ख्याल है जो भी फॉरेन मिनिस्टर साहब भी फरमा रहे थे, हमने दिखाया कि हमारी जिम्मेदारी है। तो एक जो इम्प्रेशन बना कि हमारा रिएक्शन लेट था, क्या ऐसा ही है? जी शुक्रिया प्राचा साहब।
सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवसत से कुछ कहना चाहूंगा। एक तो ये कि जो कंप्लेंट्स या कोई जो प्रॉब्लम्स जो के पाकिस्तानी कम्युनिटी ने या स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअली कहीं फेस किए और उसके बारे में मीडिया ने आगाही फ्राहम की या दूसरे जराए से कोई इन्फॉर्मेशन मिली, उसको बड़ी सीरियसली गवर्नमेंट ने लिया और जो हमारी एम्बेसी है वहाँ पे, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें खास तौर पे बच्चे, स्टूडेंट्स, बच्चियां एक जंग की हालत में, एक क्राइसिस की हालत में, तो उनके साथ एक सिंपथी, एक एम्पथी का जो एक एलिमेंट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड उस किस्म की सिचुएशन में जब वो ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं तो नेचुरली एक कंप्लेंट होती है, वो होती है। हमारा काम ये है कि हमने उसको एड्रेस करना है। अब मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि यूक्रेन में पाकिस्तानी कितने थे, फॉर एग्जांपल इस क्राइसिस से पहले तकरीबन 7,000 पाकिस्तानी यूक्रेन में मौजूद थे, जिसमें 4,000 जो नॉर्मल जो कम्युनिटी जो वहां पे सेटल हैं वो लोग हैं और तकरीबन 3,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें से जब ये सिचुएशन डेवलप हो रही थी, ये क्राइसिस जो है वो इवॉल्व हो रहा था, हमारी एम्बेसी अंडर द गाइडेंस ऑफ द मिनिस्ट्री एडवाइजरीज इशू कर रही थी, कांटेक्ट में थी कम्युनिटी के साथ, तो उसके नतीजे में ये जो 7,000 लोग हैं इनमें से एक लार्ज मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट यूक्रेन बिफोर 25 फरवरी से पहले ज्यादा तादाद में लोग निकल गए, बिल्कुल निकल चुके थे, और जो पीछे रह गए थे उनमें स्टूडेंट्स थे और बाकी कम्युनिटी के चंद सौ लोग थे जो पीछे रह गए थे, जो 25 तारीख को वहां मौजूद थे, और उनको निकालना जो है वो मकसद था। अब उसमें एक बाकायदा कोऑर्डिनेशन से जो मिनिस्ट्री उसको ओवरसी कर रही थी, वजारत खारजा और हमारी एम्बेसीज यूक्रेन में, और फिर जो तीन नेबरिंग कंट्रीज में जिस तरह अभी आपने पोलैंड, रोमानिया और हंगरी, जी, तो उसका नतीजा अब आज 8वां दिन है। तो अगर मैं आज आपको सिर्फ एक खुलासा पेश कर देता हूँ, बाद में आप जो हमारे एम्बेसडर साहिबान हैं चारों मुल्कों में उनसे आप डिटेल्स लीजिए ताकि लोगों को पता चले कि जो हमने ऑपरेशन किया है इवैक्यूएशन का ये कितना कामयाब रहा है। इसमें अब तक 1435 पाकिस्तानी जो हैं वो इवैक्यूएट किए जा चुके हैं। ठीक है, अब ये वो लोग हैं जो पीछे रह गए, जी 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 जी, ज्यादातर तो पहले निकल चुके थे, ये समझने की जरूरत है। 1435 इवैक्यूएट किए गए जिसमें से 1262 पोलैंड के जरिए, पोलैंड के बॉर्डर के थ्रू इवैक्यूएट हुए, 123 रोमानिया के जरिए और तकरीबन 12-13 हंगरी के जरिए, कुछ लोग ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, इसी तरह स्लोवाकिया और मोल्डोवा से भी 9 और 9, और आपने बताया कि कुछ लोग हैं जो अभी बॉर्डर पे हैं, वो कुछ ज्यादा लोग नहीं है, तकरीबन जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास तकरीबन 20 लोग हैं जो देवर ऑन द वे टू बॉर्डर और 40 और, हैं जो अंदर हैं अभी, जी बिल्कुल। तो ये एक सिचुएशन है मेरा ख्याल में एज कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर कंट्रीज नेशनल्स एंड देयर गवर्नमेंट्स एंड देयर एम्बेसीज द वे दे रिएक्टेड। हमारी जो ये अप्रोच थी, जो हमारी ये काविश थी, बड़ी कोऑर्डिनेटेड थी, हमारे एम्बेसडर्स ने दिन रात काम किया, 24/7 दे वर डूइंग देयर जॉब देयर टोस। और इसमें एक बात समझने की जरूरत यह है कि जो हमारी कीव की एम्बेसी थी वो तो एम्बेसी से खुद कीव से अपरूट हो चुकी, दे हैड टू टेम्परेरली शिफ्ट, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम टर्नोपिल, ठीक है, और फिर फैसिलिटेशन सेंटर बनाए और विद वेरी लिमिटेड स्टाफ ये सारा काम किया गया। तो मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था। अभी वहां पे जो लोग रह गए हैं उनको भी इवैक्यूएट करने के लिए, चले आपने एक रीअश्योरेंस तसल्ली दे दी। एम्बेसडर मलिक फारूक साहब, सबसे ज्यादा बोझ रहा आप पे पोलैंड में आने के लिए, इसकी क्या वजह है?
एम्बेसडर मलिक फारूक साहब, आप पोलैंड में हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी पोलैंड की तरफ गए, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तानी नहीं, मैं ओवरऑल जितने भी लोग वहां से डिसलोकेट हुए हैं उनकी भी पहली प्रेफरेंस पोलैंड ही थी, स्पेशली यूक्रेन। इस वक्त तकरीबन कोई 7 लाख के करीब लोग जो है वो पोलैंड में आ चुके हैं, उसमें से तकरीबन 5 लाख के करीब यूक्रेनियन नेशनल्स हैं। पाकिस्तानी भी शायद मैं भी के एक तो इजी है शायद एक्सेस टूवर्ड्स पोलैंड, क्योंकि जो कुछ सिटीज ऐसे हैं जो पोलिश बॉर्डर के नजदीक थे, वहां पे हमारे स्पेशली स्टूडेंट्स कुछ यूनिवर्सिटीज में ज्यादा थे, उनका भी नेचुरल एक रूट इस तरफ बनता था, या मे बी के पोलैंड क्योंकि खैर वो तो हंगरी भी शेंजन में है, लेकिन समहो इधर ज्यादा लोगों का रुझान रहा है पोलैंड की तरफ। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप तो बॉर्डर पे मौजूद रहे जितने 4-5 दिन थे, कैसा आपको लोगों की आते हुए हालत कैसे लगी? जंग ज्यादा मुल्क से निकल के आ रहे थे, कैसे हैंडल किया आपने? बहुत मुश्किल हालात थे, बहुत ही ज्यादा। एक तो मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा था, क्योंकि मैं खुद 5 दिन वहां पर रहा हूँ और मैंने वहां देखा, स्पेशली क्योंकि डिले था और जो बॉर्डर के ऊपर स्पेशली यूक्रेनियन साइड के ऊपर उनको एग्जिट जो लोगों को मिल रहा था वो बहुत स्लो था, और बीच में कई दफा ऐसा होता था कि गेट वो बंद कर देते थे, तो वो उसमें ये है तकरीबन 2 दिन सारे लोग वो यूक्रेनियन साइड पे जो बॉर्डर एरिया वहां पे स्टैंडर्ड रहे। तो क्योंकि मैंने बताया ना ठंड शदीद किस्म के साथ थी, -10-11 टेम्परेचर चल रहा था। अच्छा। और जब ये लोग फिर इन्होंने 3 उसके मतलब लेयर्स या स्टेप्स बनाए हुए थे, लाइक पहले आप साइड पे हैं यूक्रेनियन साइड के ऊपर बॉर्डर पे, वहां पे आपका आपकी सारी इमिग्रेशन के प्रोसेस हुए, एग्जिट परमिट लगा, फिर बीच का जो बफर एरिया या जोन है वहां पे इनको रखा गया, फिर उसके बाद और वो भी अच्छा खासा देर के लिए, फिर उसके बाद जब पोलिश साइड के ऊपर इनकी एंट्री का प्रोसेस किया गया। लेकिन आपको यहाँ बता दूं कि ये 2 जो पहले वाले फेजेस थे ये जरा ज्यादा मुश्किल थे और इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन पोलिश साइड के ऊपर क्योंकि पोलैंड ने बहुत पहले ही इसकी काफी हद तक तैयारी कर ली थी, वैसे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो पोलैंड और यूक्रेन का बॉर्डर है 500 किलोमीटर से ज्यादा का ये आपस में इन दोनों का बॉर्डर एरिया है, इन्होंने 8 एंट्री पॉइंट्स डेजिग्नेट कर दिए थे और इन 8 एंट्री पॉइंट्स के ऊपर से जितने भी लोग आएंगे वही एंटर हो सकते हैं, और अगर 8वें से पहले का आप डिस्टेंस फिर खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, हमारे ज्यादा लोग जो हैं वो तक ज्यादा 4 एंट्री पॉइंट्स से आए, उनमें से भी 2 पे आप समझे कि 70% जो है वो 2 एंट्री पॉइंट्स से आए, यानी ज्यादा इन्फ्लक्स इन्हीं जगहों पे रहा। एम्बेसडर एजाज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, हंगरी भी एक बड़ा मुल्क है, आपके यहाँ भी स्टूडेंट्स आए, कितने स्टूडेंट्स पाकिस्तानी या पाकिस्तानी शहरी आपके पास आए, आपने कैसे हैंडल किया? पाकिस्तानियों की जो तादाद हंगरी में अभी तक आई है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, अभी तक हमने तकरीबन 13 स्टूडेंट्स को रिसीव किया है और हमें उम्मीद है अभी भी मेरे ख्याल में आज रात को 6 और स्टूडेंट्स ने आना है। अच्छा। ये एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है कि हमसे बात तकरीबन शायद 150 लोगों ने की होगी जिन्होंने हमें फोन किया या कांटेक्ट किया या गाइडेंस चाहिए कि हंगरी में हम किस रास्ते से एंटर हों और कौन सा फैसिलिटेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लोग यहाँ थोड़े आए, तो हम यही समझते हैं शायद कि उसकी एक वजह यह है, अगर आप नक्शे को देखें तो खार्किव से या कीव से जो हंगरी का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, शायद यहां तक ट्रेवल भी एक मसला था, फिर कुछ जंग की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज, सो यहाँ पे पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं आई, लेकिन जितने आए हैं हमने उन्हें अपनी तरफ से पूरी तरह फैसिलिटेट करने की कोशिश की। डॉक्टर जफर इकबाल साहब, रोमानिया भी एक बड़ा मुल्क है और रोमानिया भी उतना अहम है, रोमानिया भी उन्हीं मेंबरशिप्स का हिस्सा है जिसमें पोलैंड या हंगरी है, आपके पास कितने पाकिस्तानी आए, उनको कब वापस भेजा जा रहा है, क्या सूरत हाल है उनकी? जी, हमारे पास 123 अभी तक आ चुके हैं पाकिस्तानी और
उनमें जो 110 के करीब स्टूडेंट्स ही हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, ये यूरोपियन यूनियन का तो मेंबर है रोमानिया, लेकिन ये शेंजन का मेंबर नहीं है। शायद इस वजह से इस तरफ लोगों की आमद वैसे कम हुई। और जैसे एम्बेसडर मलिक फारूक साहब ने जिक्र किया कि जो ज्यादातर रस्ते हैं नेचुरल और हाईवेज और ट्रेन के, वो पोलैंड की तरफ ज्यादा है, और इस तरफ आए तो कार्पाथियन माउंटेन्स भी आ जाते हैं। और ये दूसरा एलिमेंट जो मैंने आपको बताया कि यहाँ जो रेफ्यूजी आएगा उसको गालबन फिर बाद में वापस यूक्रेन ही जाना होगा अंटिल अनलेस के उसको फिर असाइलम मिल जाए। तो इसलिए थोड़ा सा रुझान इस तरफ कम रहा है। हमारे पास जो भी लोग आए हैं हमने उनको बॉर्डर से रिसीव किया है। हमारा 24/7 जो एक फैसिलिटेशन डेस्क जो हमने एस्टेब्लिश किया था बॉर्डर पे, बाकी बॉर्डर्स भी हमने मार्क करके अपने सोशल मीडिया के जरिए वाइडली सर्कुलेट किए, ताकि जो लोग जिस बॉर्डर के करीब हैं उसी के थ्रू क्रॉस कराएं। और रोमेनियन अथॉरिटीज के साथ भी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, इन्होंने भी पहले से तैयारी कर रखी थी, तो एंट्री के वक्त तो कोई मुश्किल पेश नहीं आई। यूक्रेनियन साइड पे ही मसाइल रहे हैं क्योंकि वो एग्जिट करने नहीं दे रहे थे अपने जो 18 to 60 ईयर्स के लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक बंदा अपनी फैमिली लेके कोई यूक्रेनियन आता है और फिर उसको वो नहीं आगे जाने देते और वो उनकी मिन्नत समाजत या लड़ाई या कोई मतलब वो इस तरह बहुत सारा टाइम उसमें उनका जाया होता था। तो ये एक वजह थी जो कि देर की लगी है, जिस वजह से कि एग्जिट करने में जो है ना मुश्किलात रही लोगों को, क्योंकि टाइम ज्यादा फिर लगा। बाकी जब हमारी तरफ आए हैं तो उनको वहीं हम बसेस, चाहे रात का वक्त था या दिन का वक्त था, हमने फौरन वहां मतलब बाकी मुल्कों के लोग शेल्टर में जा रहे थे, हमने उनको वहीं से बुखारेस्ट शिफ्ट किया और यहाँ पे उनको हमने हॉस्टल्स या जो होटल होते हैं या अपार्टमेंट उनमें शिफ्ट किया और उनको वहां पे सेटल किया। अब आगे हम उनकी जो रवानगी है उसमें आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, हम समझते हैं कि उनके वालदैन भी मतलब चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द वहां पहुंच जाए। बिकॉज exactly. जंग के अपने डायनामिक्स होते हैं, कोई पता नहीं है कि मतलब क्या होगा। वी कैन नॉट चले चले ये जो क्या होने, मैं इस पे बाद में बात करता हूँ। नाज़रीन मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बड़े सवालात हैं पॉलिसी के हवाले से कि हमारी पॉलिसी है क्या। लकीली स्पोक्समैन फॉरन ऑफिस आसिम इफ्तखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा मैं पॉलिसी के हवाले से बात करूंगा, दीगर ममालिक की पॉलिसी पर भी बात होगी क्योंकि ऑनरेबल एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे विद अस, वेलकम बैक। नाजरीन आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूक्रेन क्राइसिस के हवाले से, रूसी जो एक इन्वेजन हुई है उस पर बात कर रहे हैं। अब हम जरा पॉलिसी पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। आप तर्जमान हैं दफ्तर खारजा के, आप डिप्लोमेसी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सीनियर डिप्लोमैट हैं आप। एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है कि कोई भी मुल्क किसी और मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, उसको डिक्टेशन नहीं दे सकता, लेकिन बार बार एक सवाल किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन में हमला किया है, पाकिस्तान मुजम्मत तक नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा मुजम्मत पाकिस्तान? देखिए, इस जो ये जो एक रूस और यूक्रेन की सिचुएशन है, इसके पीछे तो एक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में अभी जाने का तो शायद वक्त नहीं होगा। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, इसमें दो तीन चीजें अहम हैं, देखने वाली हैं। एक तो प्रिंसिपल्स की बात है, और जहां तक प्रिंसिपल्स का ताल्लुक है, आपने अक़्वामे मुत्तहिदा में कल हमारी स्टेटमेंट भी सुनी होगी जो मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब ने दी थी, और उसमें बड़ी क्लियरली ये कहा गया कि पाकिस्तान इज कमिटेड टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर। उसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसमें नॉन यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स है, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है, और फिर साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कंसिस्टेंटली और यूनिवर्सली रिस्पेक्ट किए जाने चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम है हमने देखा, सेलेक्टिव ना हो जी, क्योंकि आप देखते हैं कि ऐसी सिचुएशंस हैं, कश्मीर है, पैलेस्टाइन है, वहां पे
ये नहीं रिस्पेक्ट की जाती। तो जहाँ तक प्रिंसिपल्स का ताल्लुक है, आपने आपका ये सवाल, पाकिस्तान ने उसको बिल्कुल क्लियरली अपनी पोजीशन जो है वो वाजे की है। इसके अलावा ये जो सिचुएशन डेवलप हुई इसके ऊपर भी जो हमारी पोजीशन है वो वाजे है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर वाज वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स हु इंसिडेंटली सिंस ही वाज देयर ही रिग्रेटेड दैट द सिचुएशन, जब मॉस्को में थे प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मुलाकात, कम टू दिस पॉइंट, और ये कि डिप्लोमेसी जो है वो फेल हो गई और ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ सिचुएशन चली गई। और उससे जो पिछले चंद हफ्ते थे उसमें भी आप देखते रहे होंगे हमारी प्रेस ब्रीफिंग में भी हमारी एक कंसिस्टेंट पोजीशन थी कि एक डायलॉग होना चाहिए, कंटिन्यूड एंगेजमेंट होनी चाहिए, एक डिप्लोमेसी के थ्रू ए पीसफुल डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन होना चाहिए। और ये 24-25 तारीख के बाद से जब ये सिचुएशन इवॉल्व हुई ये हमारी कंसिस्टेंट पोजीशन रही है, अभी भी यही है कि डीएस्केलेट करने की जरूरत है, रिन्यूड नेगोशिएशंस होनी चाहिए, सस्टेन डायलॉग, कंटिन्यूड डिप्लोमेसी, फर्दर एस्केलेट होने से सिचुएशन को बचाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट को रोकते हैं तो तभी आप सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ को भी रोकते हैं, आप टेंशंस कम कर सकते हैं। और ये सिचुएशन के जो असरात हैं वो आप जानते हैं कि वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े फार रीचिंग हैं। ऑलरेडी इसके जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, और ये एक और चीज है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, तेल की कीमत और बढ़ गई, कि कॉन्फ्लिक्ट के जो असरात हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज पे अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा होते हैं। तो हम तो हमने तो बड़ी क्लियरली कहा है और इसीलिए हमने वेलकम भी किया कि जो निगोसिएशंस जो स्टार्ट हुई रूसी और यूक्रेनियन साइड में, कि वी होप दैट इट विल लीड टू सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, सो जंगबंदी की तरफ ये मुदाकरात ले जाएं। डॉक्टर एजाज साहब, बार बार ये मसला पैदा होता है, आखिर सदर प्यूटन यूक्रेन का रुख ही क्यों करते हैं बार बार? यूक्रेन की अगर आप देखें, जैसे स्पोक्स पर्सन ने कहा, इस पूरे मसले की एक तारीख है। जी जी। और उस तारीख में जो यूक्रेन की अपनी लोकेशन आप देखें तो वो बड़ी एक ऐसा खित्ता है जो रशिया को बड़ा डायरेक्टली जोड़ता है यूरोप के साथ। और दूसरी एक बड़ी अहम चीज जो आप को भी मालूम है, हमारे अक्सर नाजरीन को मालूम है, कि रशिया जो अपनी गैस और एनर्जी जो यूरोप में यूज होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, काफी बड़ा परसेंटेज वो रशिया प्रोवाइड करता है, और ये पाइपलाइंस जो हैं ये सारी यूक्रेन में से आती हैं। तो डायनेमिक्स बेसिकली इस नौयत के हैं कि जो एनर्जी कॉरिडोर है ये पूरे यूरोप के लिए, इसीलिए जब भी स्ट्रेटेजिक मेरे ख्याल में लीडर्स थिंक करते हैं तो वो इन उन तमाम एसेट्स की तरफ सोचते हैं जो कि स्ट्रेटेजिक अहमियत के हैं। मुझे तो बुनियादी तौर पे इसकी ये अहमियत नजर आती है। अगर आप क्राइमिया में भी देखें, अभी रिसेंटली भी जिस नौयत की अटैक्स हो रहे हैं तो बेसिकली उन इंस्टॉलेशंस को जरा ज्यादा फोकस हो रहा है जहां से एनर्जी लाइंस गुजर रही हैं। ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है। इसमें अगर आप देखें तो जो सोवियत यूनियन की अपनी एक हिस्ट्री है, एक रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है इस पूरे रीजन में, स्पेशली ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, उसके अपने सोशल डायनामिक्स हैं। और फिर जो ओवरऑल आप देखें वेस्टर्न यूरोप की जो डायनामिक्स हैं सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के हवाले से, उनका अपना एक इंटरप्ले है, ब्रसल्स में उनका इंटरप्ले होता है। तो ये एक मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स रीजन होता है ये उतना ही एक कॉम्प्लेक्स रीजन है। हमारे लिए तो बुनियादी तौर पे जैसे स्पोक्स पर्सन ने कहा, वी डोंट वांट एनी एस्केलेशन इन दिस डिस्प्यूट, क्योंकि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू नेगोशिएशन इज द ओनली वे। जहां और यही पाकिस्तान की प्रायोरिटी भी है। एम्बेसडर मलिक फारूक साहब,
पोलैंड भी जब सोवियत यूनियन था कोल्ड वॉर में, पहला जो यूनियन लीडर था लेक वलेसा, उसी ने तो ये सारा एक रेवोल्यूशन या काउंटर रेवोल्यूशन जो भी कह लिया जाए। लेकिन मामला फिर मैं कहूंगा आपकी नजर में यूक्रेन पे क्यों आता है? पोलैंड भी फ्रंट लाइन है, इसी तरह रोमानिया भी फ्रंट लाइन है, बॉर्डर पे तो सारे मुल्क हैं। मेरा ख्याल है ज्यादा डिटेल में तो डॉक्टर साहब ने भी और आसिम साहब ने एक्सप्लेन कर दिया है। पोलैंड अब क्योंकि नेटो का मेंबर है, बन गया है, इस वजह से जरा मुश्किल हो गया है। और शायद ये भी एक वजह है कि क्योंकि यूक्रेन भी कोशिश कर रहा है और शायद रशिया नहीं चाहता ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नेटो की, तो इस वजह से वहीं पे फोकस ज्यादा है। मेरा ख्याल है ऐसे ही हो सकता है। डॉक्टर जफर इकबाल साहब, आप समझते हैं कि रूस को कोई थ्रेट है यूक्रेन से इस वजह से, या यूक्रेन का रास्ता कोई थ्रेटफुल रास्ता है? आप क्या समझते हैं? यूक्रेन ऐसा खुद तो कोई थ्रेट नहीं है, यूक्रेन और रशिया का ऐसा क्या मुकाबला है, लेकिन मेरा ख्याल में नेटो आप टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं, वंस नेटो अलायंस का हिस्सा बनता है यूक्रेन तो फिर मे बी रशिया उसको मेरा ख्याल में कोई अच्छे तरीके से नहीं देखता। और ये एक वजह हो सकती है कि इधर के उसको ना बनने दे, या कम से कम उसको इस तरह रखे कि जी यूक्रेन काइंड ऑफ अ बफर रहे, जो यूरोप है और रशिया के बीच में एक ऐसा मुल्क हो जिसके ऊपर रशिया का अपना होल्ड ज्यादा हो एज कम्पेयर टू नेटो का मेंबर हो। डॉक्टर जफर इकबाल साहब, मेरा क्वेश्चन आप पे है, मुझे एक क्विक ब्रेक लेना है। नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैं जरूर ये मामला टेक अप कर रहा हूं, इसलिए कि कुछ अंडरस्टैंडिंग तो बने हमारी, मामलात हैं क्या, हम दूर भी नहीं बैठे लेकिन हम इतने करीब भी नहीं बैठे, बहरहाल इम्पैक्ट हम पे आ रहा है डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के हवाले से। डॉक्टर जफर इकबाल साहब, मैंने सवाल छोड़ा था, हम ये समझना चाह रहे हैं चूंकि आप वहां बैठे हैं, रोमानिया में पाकिस्तान के सफीर हैं, आखिर क्या वजह है रोमानिया के रास्ते कोई रूस को ज्यादा खतरा महसूस होता है कि ये वाला कोई बॉटल नेक है उसको ब्लॉक किया जाए? डॉक्टर जफर इकबाल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी डॉक्टर जफर इकबाल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? आवाज नहीं जा रही, मैं जरा उनसे आसिम साहब बाद में बात करता हूं। आज 3 मार्च है, 3 मार्च को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुलभूषण को पकड़ा था, सर्विंग कमांडर, सर्विंग नेवल ऑफिसर इंडिया का, रॉक का ऑफिसर था। और इंडिया पाकिस्तान का पोस्चर अभी हम यूक्रेन के हवाले से भी सिमिलर देखते हैं, लेकिन इंडिया तो खुद पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां करता रहा, रूस तो बगैर सामने आ गया लेकिन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें हुई, नेटवर्क कुलभूषण चला रहा था, पाकिस्तान को तो बड़ी कामयाबी मिली थी उसको पकड़ के आज ही के दिन। सर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही रिकॉल किया, आज के ही दिन 8 साल पहले 2016 में कुलभूषण जाधव को पकड़ा गया था। और कुलभूषण जाधव, जैसे कि आपने बताया, इंडियन नेवी का सर्विंग ऑफिसर था और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहा था, और उसको यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के इस काम पर मामूर किया गया था कि उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी, टेररिज्म, सबोटाज और एस्पियोनेज करना है, और जिसका उसने एतराफ भी किया पकड़े जाने के बाद। तो ये कुलभूषण जाधव क्या है? ये एक भारत का की टेररिज्म का आप कह लें, ये एक पोस्टर बॉय है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इंडिया इज ए परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म, और जो रियासती दहशतगर्दी है इसमें इंडिया का एक नुमाया मुकाम है, जहां तक मेरा ख्याल है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्ट्रेट पॉलिसी, टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्ट्रेट पॉलिसी भारत यूज करता आया है और करता है, अभी भी कर रहा है, और पाकिस्तान जो है वो इसका एक विक्टिम रहा है। तो ये मेरा ख्याल है एक इम्पोर्टेंट
चीज आपने आज के दिन की मुनासिबत से याद कराई, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पांसिबिलिटी है कि जो भारत की जो इररिस्पांसिबल बिहेवियर है उसका नोटिस लें, उसका नोटिस लें। मलिक फारूक साहब, यूरोप में बैठ के एक नेटो मेंबर है पोलैंड, आप उसके कैपिटल में बैठे हैं, यहाँ ये भी खतरा है कि कहीं खुदा ना खास्ता यूक्रेन के मामले पर फिर कोई तीसरी आलमी जंग ना छिड़ जाए। आप क्या देखते हैं, मीडिया को देखते होंगे, वहां लोगों से मिलते होंगे, क्या फीलिंग है आपकी? नहीं, यहाँ पे काफी ज्यादा एक खौफ की कैफियत है, क्योंकि कल भी मेरे यहाँ पे कोई जो पोलिश गवर्नमेंट सीनियर ऑफिशियल्स है उनसे बात हो रही थी, तो वो भी देवर वेरी कंसर्न के ये भी कहते थे हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि यूरोप में दोबारा कोई इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट, आर्म कॉन्फ्लिक्ट। तो वो ये आप सही कह रहे हैं कि इस तरह के यहाँ पे हैं लोगों को कंसर्न्स के, खुदा ना खास्ता ये अव्वल तो खैर अभी ये देखते हैं कि यूक्रेन का अल्टीमेटली फेट क्या होता है, और फिर उसके बाद कहीं और किसी तरफ कोई अगर रुख किया जाता है तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर बाकी जो और कंट्रीज हैं वो ज्यादा तो बल्कि सारे ही नेटो के मेंबर्स हैं, तो उस सूरत में तो फिर ऑफकोर्स नेटो को कुछ अपना शो करना पड़ेगा कि जी अदरवाइज एक अलायंस है जिसका एक बनाया गया था किसी वजह से। तो लेकिन पोलैंड में शदीद कंसर्न्स हैं उनको, यूक्रेनियंस के साथ वैसे भी पोलिश लोगों के बड़े लिंकेजेस हैं, उनको बड़ी तकलीफ है, और आज पोलिश गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जितने भी यूक्रेन से लोग आएंगे उनको जॉब्स दी जाएंगी। यहाँ पे इनको देखते हुए सूरत हाल वो पोलिश जितने भी सिटी के मेयर्स हैं उन सारों ने जो सिटी हॉल या बाकी इवन स्कूल्स तक वो उन्होंने पहले ही रिजर्व कर लिए थे कि अगर वहां से लोग आएंगे, फैमिलीज आएंगी, तो उनको ये अकोमोडेट करेंगे। जॉब देने तक की क्लियर कट एक पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट ने दे दिया है। डॉक्टर जफर इकबाल साहब, अभी आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं सुन सकता हूं आपको। मैं आपसे ये सवाल पहले भी पूछ रहा था, आवाज नहीं जा रही थी, कि यूक्रेन से कोई इतना खतरा है रूस को, इतना थ्रेटफुल फील करता है कि नहीं यूक्रेन का जो है वो काबू किया जाए ताकि रूस महफूज हो सके, या कुछ और फैक्टर्स हैं? मैं आपसे ये जानना चाह रहा था। देखिए, मैं हिस्टोरिकली ही बयान कर सकता हूं क्योंकि पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज पे तो आसिम साहब बेहतर कमेंट कर सकते हैं, जो फ्यूचर है उस पे भी। हिस्टोरिकली देखा जाए तो मॉस्को पे जितने भी जो अटैक्स आए हैं पिछले 300 साल में वो ज्यादातर प्लेन्स प्लेन एरिया से आए हैं, क्योंकि डाउन साउथ कारपाथियंस आ जाते हैं। तो इस एरिया में दो मुल्क हैं जो कि बेलारूस है और यूक्रेन है, वो जो रिलेटिवली उनकी ज्योग्राफी इस तरह की है। तो एक थिंकिंग जो एनालिस्ट भी कहते हैं, वी आर नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग हेयर, लेकिन एक थिंकिंग वो जो स्ट्रेटेजिस्ट बयान करते हैं वो यही है कि जब ये मुल्क, क्योंकि बिल्कुल अंडर वैली के तौर पे देखा जाता है रशियन फेडरेशन की, तो उस हवाले से शायद उनके कुछ खदशात हैं। दूसरा, जैसे आपने न्यूज में भी देखा होगा कि जो उनकी अपनी थिंकिंग है कि जी इन्होंने आफ्टर द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल इन्होंने जो हमें गारंटीज दी थी वो शायद पूरी नहीं की, रिटर्न गारंटीज तो कोई नहीं थी, लाइक आई थिंक देयर वाज सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह की चीजें हैं। बाकी वहां पे तकरीबन 17% के लोग के करीब लोग जो है ना वो रशियन एथनिक रशियन है यूक्रेन के अंदर, तो दे फेल्ट एलियनेटेड इन 2014 जो रेवोल्यूशन आया था, उस वक्त मैं वहीं था। अच्छा, तो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था कि जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो एसोसिएशन एग्रीमेंट था उसके सिलसिले में जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसने शायद अपने लोगों की होप्स कुछ ज्यादा हाई। तो वही जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो ज्यादा मैटर कर रहा है। डॉक्टर एजाज साहब, मैं फिर कहूंगा, चूंकि आप लोग वहां बैठे हैं नेबरहुड में बैठे